हेलो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अगर मैं आज के सेसन की बात करूँ तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम अपना एक नया पजल स्टार्ट करेंगे जो रहेगी हमारी बॉक्स वाली पजल ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे बॉक्स वाली पजल पढ़ेंगे ठीक है इसमें मैं आज आप लोगों को दो क्वेश्चन करवाऊँगी दोनों ही क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के रहेंगे ठीक है एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है इसमें मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताऊंगी ठीक है पहला क्वेश्चन कैसा रहेगा हमारा एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जिसमें क्या रहेगा बॉक्स दिया रहेगा सिर्फ हमें उसे ही अरेंज करना होगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जिसमें बॉक्स दिया रहेगा बॉक्स के साथ कुछ वेरिएबल दिए होंगे ठीक है उस टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ठीक है तो चलते हैं मैं अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जिससे आप लोगों को बेहतर समझ आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और बॉक्स वाले क्वेश्चन को हम कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे आप इसका स्क्रीन शॉर्ट लेके रख सकते हैं अब चलते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ इंग्लिश पे ये रहा ठीक है ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं करते हैं और जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे ठीक है क्या बोल रहा है देयर आर नाइन बॉक्सेस नौ बॉक्स दिए हुए हैं कौन कौन से बॉक्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई ठीक है A, B, C, D, e, F, G, H, I, ये क्या है नौ बॉक्स दिए हुए हैं ईच ऑफ देम कंटेन्स अ नंबर्स रिटर्न ऑन देम फ्रॉम वन टू नाइन ठीक है सभी बॉक्स में एक नंबर लिखा हुआ है एक से लेकर नाइन तक का ठीक है बॉक्स के नाम दिए हुए हैं ए से आई तक और नौ बॉक्स हैं उन पे नंबर लिखे हुए हैं एक से नाइन तक के ठीक है अकॉर्डिंग टू विच टेयर प्लेस वन अब द अदर मतलब लाइन से लिखे हुए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ऐसा करके कुछ भी लिखा हुआ है ठीक है और लिखा कैसे है द बॉक्स कंटेनिंग नंबर वन इज एट द लोवेस्ट प्लेस बोल रहा है कि जो एक नंबर जिस पे लिखा हुआ है वो क्या आएगा सबसे नीचे आएगा मतलब एक के बाद कैसा आ जाएगा दो दो के बाद तीन फिर चार पाँच ऐसा नौ तक का लिखा रहेगा ठीक है हमें ऐसा नहीं लेना है एक दो तीन चार पाँच ऐसा नहीं लेना नौ तक का क्या बोल रहा है कि जो जिस पर एक नंबर लिखा हुआ है वो सबसे नीचे रखा है ठीक है उसके ऊपर दूसरा बॉक्स है उसके ऊपर तीसरा बॉक्स है ऐसा ये बोल रहा है ठीक है तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा एक आ जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है देखो ए इज थर्ड एवॉव जी देखो अब यहाँ से क्या कर दिया इसने इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया ठीक है इसमें हमें दो चीज़ देखा हम लोगों ने एक तो बॉक्स का नाम लिखा हुआ था ठीक है बॉक्स दिए हुए थे और क्या बोल रहा था एक से लेकर नौ तक का है वो भी कैसे है एक नीचे आएगा नौ ऊपर आएगा ठीक है अब पहली बात ध्यान रखने वाली जब भी हम बॉक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर दिया हो या ना दिया हो ठीक है हमें अरेंज हमेशा ऐसे ही करना पड़ता है एक नीचे आता है नौ ऊपर आता है ठीक है जब भी हम ऐसा करेंगे बॉक्स वाले में हम कैसा लेंगे सबसे नीचे सबसे पहला वाला सबसे नीचे आता है उसके बाद फिर ऊपर दूसरा फिर तीसरा ऐसा रखा हुआ रहता है ठीक है नीचे से ऊपर ऐसे हम काउंट करते हैं ठीक है पहली बात ये समझ में आए और कभी ऐसा दिया हो कि आप लोगों को क्वेश्चन को में ये ना लिखा हो कि एक से लेकर नौ तक का ऐसा कुछ ठीक है मान लो इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं देता ये कि ईच ऑफ देम से लेकर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था डायरेक्ट इसने इंफॉर्मेशन लिख दी होती बॉक्स का नाम देखे तो हम क्या करते हम फिर भी हम इसे ऐसे ही लेके चलते ठीक है इस क्वेश्चन में हम यही करते हैं कि अगर सिर्फ आप लोगों को बोल देता कि नौ बॉक्स दिए हुए हैं ए से नाइन तक का ठीक है वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं फिर आगे बोल देता ए इज थर्ड ए बव जी ये सब जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रही वो सब अगर नहीं बोला रहता तो हम क्या करते हम डायरेक्ट एक से लेकर नौ तक का लिखते और डायरेक्ट हम अपना बॉक्स अरेंज कर देते ये दिया हो या ना दिया हो हमें इसे लिखना पड़ता है इस ट्रेक्ट के बॉक्स में ठीक है ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो जाए आसानी हो जाए ठीक है तो चलिए नौ एक से लेकर नौ तक का आएगा ठीक है ए सबसे नीचे आएगा और लोवेस्ट पे और नौ कहाँ पे आएगा टॉप पे ठीक है ये समझ में आया अब हम पढ़ते जाते हैं जैसा जैसा बोलते जाएगा हम वैसा वैसा, वैसा करते जाएंगे और एक बात क्या ध्यान रखना है हम कभी भी ऐसे लिख के नहीं चलेंगे एक से नौ तक का ठीक है पहले हम जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके हिसाब से हम अपनी अरेंजमेंट कर लेंगे उसके बाद हम बॉक्स को एक से लेकर नौ तक का लिखेंगे ठीक है वो मैं अभी आगे सॉल्व करूंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा ठीक है क्या बोल रहा है ए इज थर्ड एबव ऑफ जी अब देखो ए क्या है जी के तीसरे ऊपर है जी यहाँ पे है मान लो कहीं पे तो ए इसके तीसरे ऊपर एक बॉक्स आया दो बॉक्स आया तीसरे बॉक्स पे कौन आ जाएगा ए मतलब इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं दो बॉक्स हैं मतलब समझ लो है ना इन दोनों के बीच में दो बॉक्स हैं ठीक है ए एस थर्ड एब ऑफ जी मतलब तीसरे ऊपर पहला ऊपर पे कौन आ गया जी आ गया ठीक है हमने लिख लिया अब क्या बोल रहा है दे आर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन ए और डी अब देखो ए और डी में कितने बॉक्स बोल रहा है ए और डी में तीन बॉक्स ए ये रहा ठीक है एक मिनट ए ये वाला ए रहा इसके ए और डी में तीन बॉक्स तो ए और डी में तीन बॉक्स नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है तो हम क्या करेंगे तुरंत दूसरा डायग्राम बना लेंगे ठीक है ए और डी में मैं तीन बॉक्स लूँगी एक दो तीन तो नीचे डी यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के ए और डी के बीच में कितने बॉक्स आ गए तीन बॉक्स ठीक है थर्ड एबव और इन दोनों के बीच में तीन बॉक्स दोनों में अंतर होता है ये बात समझ में आ गई ठीक है ए और डी में तीन बॉक्स हुआ और वैसे ही ये ए था ये दो जी लिया हमने इसके ऊपर ए और डी में तीन बॉक्स मतलब एक दो तीन यहाँ पे आ गया हमारा डी ठीक है इतनी बातें समझ में दो टाइप से बन सकता था हमने दोनों बना लिया ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे देयर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन जी और बी ठीक है जी और बी में तीन बॉक्सेस हैं अब फिर से वही देखो जी ये रहा बी में अगर मैं तीन बॉक्स नीचे ले लूँ ठीक है तीन बॉक्स आया उसके बाद बी तो बॉक्स तो नौ से ज़्यादा हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह हमें ग्यारह बॉक्स चाहिए क्या नौ नहीं हमें कितना चाहिए नौ तो यहाँ पे बी नीचे आएगा क्या नहीं तो अब भी हम ऊपर लेके देखते हैं ठीक है जी के हम क्या लेते हैं ऊपर ले लेते हैं क्या बोल रहा था जी और बी में कितने बॉक्स होने चाहिए तीन जी ये रहा एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स तो बी कहाँ पर आ गया ये वाली प्लेस पर ठीक है यहाँ पर कौन आ गया बी आ गया ये हो गया इस डायग्राम का तो जी और बी हमने बना लिया अब इसकी पारी ठीक है इस पर भी हम ऊपर नीचे बनाएंगे जी और बी में तीन जी ये रहा एक दो तीन बी यहाँ पे आ गया ठीक वैसे ही ए एक दो जी था ये ए एक दो जी था नीचे डी था अब जी और बी में तीन बॉक्स चाहिए एक दो तीन यहाँ पे आ गया हमारा बी ठीक है ये तीन डायग्राम हम लोगों ने क्या किया बना लिए इसने जैसे जैसे बोला था हमने क्या किया सिर्फ वैसे वैसे ही किया है ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे देयर आर एज मैनी बॉक्सेस एबोव बी मतलब बी के ऊपर जितने बॉक्स हैं ठीक है बी के ऊपर भी जितने बॉक्स आएंगे हमें नहीं पता बी के ऊपर भी कितने बॉक्स हैं जितने भी बॉक्स होंगे उतने ही बॉक्स क्या है सेम एज मैनी बॉक्स बिलो ऑफ जी जी के नीचे पे भी उतने ही बॉक्स है मतलब बी के ऊपर पे मान लो एक बॉक्स है तो जी के नीचे पे भी एक ही बॉक्स आएगा ठीक है अब देखो अब चलते हम अब चलते हम देखो बी के ऊपर पे जितने बॉक्स हैं उतने ही आ जाएंगे जी के नीचे पे तो बी ये रहा बी के ऊपर पे एक दो तीन चार पाँच छः सात बॉक्स हैं तो जी के नीचे पे भी सात आने चाहिए एक ये बी के ऊपर पे कितने हैं सात बॉक्स हैं तो जी के नीचे पे भी सात बॉक्स एक दो तीन चार और इधर पाँच छः सात ऐसे मान लो तीन बॉक्स ठीक है बी के नीचे तीन बॉक्स टोटल कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो ये ऐसा ये वाला सही होगा क्या ये इन्फॉर्मेशन से सही आएगा कि बी के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने जी के नीचे आएंगे नहीं ये वाला तो गलत हो गया उससे ठीक है समझ में आया ना क्यों गलत हुआ बी के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही जी के नीचे होने चाहिए पर हमारे बॉक्स क्या आ जा रहे हैं ज़्यादा जा आ जा रहे हैं वो कितने आ जा रहे हैं ग्यारह जबकि हमें चाहिए कितने नौ तो ये वाला डायग्राम पॉसिबल है क्या नहीं तो ये क्या हो, हमारा? हो गया हमारा कैंसिल होके हट गया ठीक है अब देखो अब बी के ऊपर कितने बॉक्स हैं एक दो तीन ठीक है बी के ऊपर कितने बॉक्स हैं तीन तो जी के नीचे भी कितने आने चाहिए तीन एक दो तीन ठीक है बी के ऊपर तीन है तो जी के नीचे भी तीन आने चाहिए इसने ऐसा क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि देयर आर एज मैनी बॉक्सेस एब बी बी के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही क्या है सेम एज मैनी बॉक्सेस बिलो ऑफ जी बी के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही जी के नीचे आना चाहिए यहाँ पे बी के ऊपर तीन बॉक्स हैं अब यहाँ पे देखते हैं हम जी के नीचे तीन बॉक्स लेके ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह इसमें भी ग्यारह जा रहे हैं तो ये वाला डायग्राम बनेगा क्या ये भी नहीं बनेगा ये भी हमारा कैंसल हो गया ठीक है अब हम चलते हैं अपने तीसरे डायग्राम की तरफ ठीक है तीसरे डायग्राम को भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाली इंफॉर इस इंफॉर्मेशन इसमें भी सही बैठ रही है या नहीं ठीक है बी के ऊपर देखो यहाँ पे अभी हमें पता नहीं कितने बॉक्स है कितने भी आ सकते हैं बी ए है दो है जी है और ये डी है ठीक है जी के नीचे एक तो है तो डेफिनेटली एक बॉक्स तो ऊपर आना ही आना है ठीक है तो अब कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात हो गए और जी के नीचे भी एक है बी के ऊपर भी एक है हमें चाहिए कितना नौ मतलब एक ऊपर और ले लूँ और एक नीचे और ले लूँ ठीक है तो बी के ऊपर कितने आ गए दो बॉक्स जी के नीचे भी कितने आ गए दो बॉक्स समझ में आया ये ये क्या बोल रहा है देखो बी के ऊपर कितने बॉक्स होने चाहिए जितने जी के नीचे हैं ठीक है थीके? अब पता है जी के नीचे एक बॉक्स है तो डेफिनेटली बी के ऊपर एक बॉक्स तो आएगा ही आएगा टोटल कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात टोटल सात बॉक्स हो गए चाहिए कितने हमें नौ मतलब दो बॉक्स और चाहिए दो बॉक्स को मैं कैसे लूँगी तो बरोबर आ जाएंगे एक ऊपर एक नीचे ठीक है तो अरेंजमेंट डेफिनेटली कैसी होनी है ऐसी ही, ही होनी है ठीक है अरेंजमेंट कैसी होनी है ऐसे ही होनी है बी के ऊपर दो बॉक्स हैं तो जी के नीचे भी दो बॉक्स आएंगे ठीक है तो हम आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे छेड़छाड़ नहीं की और ऊपर भी दो बॉक्स आ गए और नीचे भी दो बॉक्स आ गए ठीक है तो अब मैं कैसे लिखूँगी नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक ठीक है ये हमने लिख लिया यहाँ पे कोई एक बॉक्स आएगा उसके ऊपर पे कौन है डी दूसरे नंबर पे आ गया हमारा डी ठीक है तीसरे नंबर पे आ गया हमारा जी चौथा और पांचवा हमें नहीं पता ठीक है छठवें पे आ गया ए सातवें पे आ गया बी आठवा नौवा हमें नहीं पता ठीक है आप लोगों ने देखा हमने क्या किया पहले जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी हमने उसको नोट करके अपना लिख लिया ठीक है जितना हम इसे बन सकता था हमने बना लिया अब फिर क्या किया हमने नंबर हमारे अरेंजमेंट अरेंज हो गए तो हमने क्या किया नंबर को अरेंज कर लिया ठीक है अब देखते हैं अब आगे क्या बोल रहा है ठीक है यहाँ तक का हो गया था सेम एज मैनी बॉक्सेज बिलो ऑफ जी अब बोल रहा है सी इज़ प्लेस्ड बिटवीन ई और बी देखो ई और बी के बीच में कौन आना है सी आना है ठीक है बी इधर भी हो सकता है सी ई e, इधर भी हो सकता है ठीक है ऐसे बी सी और ई e भी हो सकते हैं हमें नहीं पता ठीक है बी यहाँ पे दिख रहा है ठीक है तो सी यहाँ कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे और ई कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ठीक है बी सी और ई e e एक साथ आ गए आ गए बिल्कुल ठीक है इन दोनों के बीच में था सी के बीच सी बीच में था और इसके आजू बाजू कौन था ई e और बी ठीक है अब बोल रहा है एफ़ इज़ फोर्थ फ्रॉम द बॉटम अब बोल रहा है एफ़ कहाँ है चौथे नंबर पे कहाँ से बॉटम से ठीक है तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथे पे कौन आ गया एफ एफ भी अरेंज हो गया अब कोई आगे इन्फॉर्मेशन मिली क्या नहीं अब आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ जबकि बचे कौन कौन से हमारे ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई e हो गया एफ हो गया जी हो गया बच्चा कौन एच और आई अब एच और आई से हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे इसे फ्लक्चुअल चला देंगे मतलब एच भी यहाँ पे आ सकते हैं और आई भी आ सकते हैं हमें नहीं पता दी गई इन्फॉर्मेशन से हम नहीं बता सकते कि एच कहाँ पे आएगा और आई आए कहाँ पे आएगा ठीक है हम क्या कर सकते हैं नहीं बता सकते अभी तो एच और आई क्या आ जाएंगे हमारे फ्लक्चुअल आ जाएंगे ठीक है तो ये इन्फॉर्मेशन से हमने क्या किया अपना पज़ल को क्या किया सॉल्व कर लिया ठीक है तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ ठीक है अब देखो क्या किया था सबसे पहले बात हमें क्या ध्यान रखनी हमेशा जब भी हम बॉक्स वाली सॉल्व करेंगे एक से नौ तक ही करेंगे और पहले नंबर लिख के फिर हम अरेंज नहीं करेंगे इससे टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है हम क्या करेंगे पहले अरेंज कर लेंगे कि कैसा कैसा हमारा बन रहा है जैसा बनेगा फिर जो सूटेबल होगा उसको हम नंबर में फिट कर देंगे ठीक है ये समझ में आ गया ये था थोड़ा प्री लेवल का ठीक है ये था बिल्कुल प्री लेवल का अब चलते हैं इसे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की तरफ हम अपने अगले क्वेश्चन पे ठीक है अगला क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे आप इसका स्पन्न लेके रख सकते हैं अब चलते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ इंग्लिश पे ये रहा क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं वैसे ही धीरे धीरे हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है सारी इन्फॉर्मेशन को लिखते जाएंगे और अपना सॉल्व करते जाएंगे पजल को देयर आर सेवन बॉक्सेस अब यहाँ पे कितने बॉक्स हैं सेवन बॉक्स हैं ठीक है विच कलर्ड विथ डिफरेंट कलर्स ठीक है colors, ये क्या है अलग अलग कलर से कलर किए हुए हैं ठीक है कौन कौन से कलर हैं सफ़ेद है वाइट है ठीक है ब्लू रेड पिंक येल्लो ब्राउन और ग्रीन ठीक है ये सात कलर दिए हुए हैं और बोल रहा है दे आर प्लेस्ड वन above द अदर एंड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ठीक है बोल रहा है सात बॉक्स हैं सात बॉक्स में क्या क्या है अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं ठीक है अलग अलग कलर्स हैं और अलग अलग क्या है फ्रूट्स हैं ठीक है कलर्स आएंगे और फ्रूट्स आएंगे ठीक है बॉक्स का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है पजल में हमें क्या दिया हुआ है कलर दिया हुआ है और फ्रूट दिया हुआ है ठीक है हमें उसे जमाना और जमाना कैसे है एक से लेकर सेवन तक ठीक है इसमें इसने बताया नहीं है बट हम जमाएंगे कैसे हमेशा ऐसे ही ठीक है तो हमें क्या क्या जमाना है कलर जमाना है और फ्रूट जमाना है अब मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात लिख के फिर नहीं जमाऊँगी मैं क्या करूँगी पहले इन्फॉर्मेशन से जमा लूँगी उसके बाद उनको नंबर दे दूँगी ठीक है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे फ्रूट कौन कौन से दिए हुए हैं मैंगो है ग्रैप्स है, है पपाया है ऑरेंज है चेरी हो एप्पल है और लीची है ठीक है पर जरूरी नहीं कि वे उसी क्रम में हो बट नॉट नेसरली इन द सेम ऑर्डर यहाँ तक की बात समझ में आई अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को आगे आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन येल्लो एंड ब्राउन बॉक्सेस आर प्लेस्ड एट कंजिक्यूटिव प्लेस ठीक है अब ये बोल रहा है कि जो येल्लो कलर का बॉक्स है ठीक है और जो ब्राउन कलर का बॉक्स है ये क्या है एक साथ है हो सकता है ऐसे हो या हो सकता है ये क्या हो ऐसे हो हमें क्या है नहीं पता मतलब येल्लो नेबर आना है ब्राउन का मैं ऐसा बोल सकती हूँ ठीक है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं येल्लो क्या है नेबर है किसका ब्राउन का ठीक है येल्लो नेबर है ब्राउन का अभी क्या बोल रहा है येल्लो बॉक्स विच कंटेन्स ग्रेप्स अब इसने बता दिया कि येल्लो वाला क्या रखा हुआ है ग्रेप्स रखा हुआ है ठीक है तो हम क्या करेंगे येल्लो येल्लो क्या है ग्रैप्स रखा हुआ है ठीक है येलो क्या है ग्रैप्स रखा हुआ प्लेस्ड जस्ट एबव द बॉक्स कंटेनिंग एप्पल अब ये बोल रहा है कि जो येलो वाला बॉक्स है ना वो क्या है जस्ट एबव पे है एप्पल वाले के मतलब एप्पल वाले के ठीक ऊपर पे क्या आ जाएगा येल्लो वाला ठीक है एप्पल वाले के ठीक ऊपर पे कौन आ गया येल्लो वाला अब देखो येल्लो है एप्पल है ठीक है येल्लो है येल्लो के ठीक नीचे कौन सा आना है एप्पल आना मैंने ऐसे लिख लिया ठीक है मैंने ऐसा लिख लिया अब देखो येल्लो नेबर है ब्राउन का तो अब क्या आ जाएगा ब्राउन यहाँ पे भी आ सकता है ब्राउन यहाँ पे भी आ सकता एक ब्राउन नीचे भी आ सकता है तो फिर से हम क्या करेंगे दो डायग्राम बना के चलते हैं ठीक है फिर से हम क्या करते हैं दो डायग्राम बना के चलते हैं ये हो गया था ये येल्लो था ये ग्रैप्स था ठीक है ये ग्रैप्स था और क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर मैं एप्पल लूँगी ठीक और देखो येल्लो नेबर था ब्राउन का एक बार ऊपर आ गया और एक बार ब्राउन हमने नीचे ले लिया ठीक है कुछ भी आ सकता है हमें नहीं पता हमने ऐसा लिख लिया ठीक है अब क्या बोल रहा है देखो इतना हो गया इतना तक का हमने ऐसा बना लिया येलो नेबर था ब्राउन का ठीक है येलो वाले को ग्रेप्स पसंद है ठीक है येलो के नीचे जस्ट एप्पल था ठीक है इससे दो तरीके की हमारी ये बन सकता था हमने इन दोनों को बना लिया है ठीक है अब देखते हैं क्या बोल रहा है अब आगे पढ़ते हैं ठीक है क्या बोल रहा है यहाँ तक हो गया कंटेनिंग एप्पल तक अब वो रहा है ब्लू बॉक्स विच कंटेन पपाया ठीक है अब मुझे पता चल गया कि ब्लू बॉक्स में क्या रखा हुआ है ब्लू बॉक्स में क्या है पपीता रखा हुआ है पपाया ठीक है हमने लिख लिया ऐसे अब बोल रहा है एंड वाइट बॉक्स मतलब ब्लू बॉक्स जिसमें क्या है पपाया रखा है और वाइट बॉक्स मतलब ब्लू बॉक्स और वाइट बॉक्स के बीच में कितने हैं एक बॉक्स है मतलब वाइट और ब्लू में कितना आना है एक आना है ठीक है हमने लिख लिया वाइट वाइट और एक हमने ऐसे बॉक्स बना लिया और ये ब्लू वाइट और ब्लू के बीच में एक बॉक्स आना है ठीक है और क्या बोल रहा है आगे द बॉक्स कंटेनिंग मैंगो इज़ ऑन द टॉप प्लेस अब देखो अब टॉप प्लेस मतलब सेवन नंबर सेवन नंबर पे कौन आना है मैंगो आना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेवन नंबर पे क्या आएगा मैंगो आएगा ठीक है टॉप पे आएगा सेवन सेवन पे क्या आएगा मैंगो आएगा द ब्राउन बॉक्स इज़ प्लेस्ड ऑन फिफ्थ प्लेस फ्रॉम द बॉटम अब बॉटम से फिफ्थ प्लेस मतलब वन टू थ्री फोर फाइव मतलब पाँचवें ही नंबर पे कौन आएगा पाँचवें नंबर पे कौन आ जाएगा क्या बोल रहा है ब्राउन बॉक्स ठीक है तो हम क्या ले लेंगे पाँचवें नंबर पे ब्राउन बॉक्स अब देखो ब्राउन बॉक्स का नंबर मुझे पता चल गया पाँचवा तो अब मैं इसे अरेंज कर सकती हूँ क्या नंबर लिख के बिल्कुल कर सकती हूँ तो मैं क्या करूँगी इसे लिख लूँगी ठीक है ब्राउन बॉक्स कितने नंबर पर आ गया पाँचवें नंबर पे तो ये चार ये तीन इसके बाद दो और एक और आ जाएंगे ठीक है ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी ये छः और ये सात ठीक है वैसे ही अगर मैं इसको लिखूँ ये वाले को तो कैसा आ जाएगा ये पाँचवा नंबर आया ये छठवा ये सातवाँ नीचे चार तीन दो और एक और आने हैं ठीक है थीके? ये समझ में आया ना कैसे कैसे किया हमने अब क्या बोल रहा है देखो सातवें नंबर पे मैंगो था तो हम क्या करेंगे सातवें पे लिख लेंगे मैंगो ये सातवें पे हमने लिख लिया मैंगो सातवें पे हमने लिख लिया मैंगो ठीक है ये इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो गई ठीक है वाइट और ब्लू में एक अभी हम नहीं बता सकते अभी हम क्या करेंगे इसे नहीं लिखेंगे ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे देखो और पढ़ लेते हैं आगे क्या बोल रहा है द बॉक्स कंटेनिंग पपाया एंड एप्पल पपाया और एप्पल आर प्लेस्ड कन्जिक्यूटिवली ठीक है मतलब पपाया और एप्पल क्या है एक साथ रखे हुए हैं तो एप्पल तो ये रहा एप्पल कहाँ है ये रहा एप्पल के ऊपर पपाया आएगा क्या नहीं मतलब दूसरे नंबर पे कौन आ गया पपाया आ गया दूसरे पे कौन आ गया पपाया आ गया ठीक है वैसे ही एप्पल के इधर ऊपर पपाया नहीं आ सकता तो नीचे पे कौन आ जाएगा पपाया आ जाएगा हमने लिख लिया पपाया ठीक है पपाया वाला कौन था और ब्लू था हमने लिख लिया ब्लू पपाया वाला क्या था ब्लू था हमने लिख लिया ब्लू ठीक है ये भी हो गया यूज़ अभी क्या बोल रहा था वाइट और ब्लू में क्या है एक है यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट और ब्लू में एक है ब्लू ये रहा इसके ऊपर वाइट पे येलो है तो वाइट आना है क्या नहीं ब्लू के ऊपर पे तो येलो आ गया एक छोड़ के ठीक है ब्लू और वाइट में एक व्यक्ति चाहिए तो ब्लू और वाइट में तो एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा नहीं नीचे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ब्लू दूसरे नंबर पर नीचे तो जगह नहीं ऊपर पे कौन बैठा है येलो बैठा है तो ये वाला डायग्राम बनेगा क्या नहीं तो ये क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया ये वाला डायग्राम क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया ठीक है तो अब बचा कौन सा हमारा एक डायग्राम य बचा हुआ है हमने दो डायग्राम बनाया था एक कैंसिल हो गया बचा एक डायग्राम उसको हम क्या करते हैं अच्छे से लिख लेते हैं ठीक है थीके? फिर उस पर हम बना के देखेंगे कि क्या ये सही बैठ रहा है दो ठीक है एक हम लिख लेंगे अभी नीचे सेवन पे कौन था मैंगो हमने लिख लिया सेवन पे मैंगो फिर कौन था ग्रेप्स हमने लिख लिया ग्रेप ठीक है फिर एप्पल हमने लिख लिया एप्पल फिर क्या था पपाया हमने लिख लिया पाया ठीक है सिक्स पे कौन था येल्लो हमने लिख लिया येल्लो ब्राउन हमने लिख लिया ब्राउन ठीक है फिर कौन था ब्लू हमने लिख लिया ब्लू अब इसे मैं हटा देती थी। हूँ ठीक है ये हमने अच्छे से यही लिखा हुआ कौन ने अच्छे से लिख लिया ठीक है अब क्या बोल रहा है देखो यहाँ तक का बात समझ में आ गया अब क्या बोल रहा था वाइट और ब्लू में एक है ब्लू तो ये रहा इसके ऊपर तो येल्लो है तो नीचे आ सकता है बिल्कुल दूसरे नंबर पर कौन आ सकता है वाइट व्हाइट और ब्लू में एक था व्हाइट और ब्लू में एक हमने बैठा दिया ठीक है अब आगे की इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं इसे मैं हटा देती हूँ ठीक है दो तक का लिखा नीचे हम किसे लिख लेते हैं एक को ठीक है अब पढ़ते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है यहाँ तक का हो गया हमारा द बॉक्सेस कंटेनिंग पपाया एंड एप्पल आर प्लेस्ड कॉन्सिकटिवली ठीक है अब बोल रहा है वाइट एंड रेड कलर बॉक्सेस कंटेन ऑरेंज एंड लीची रेस्पेक्टिवली देखो अब ये बोल रहा है जो व्हाइट वाला बॉक्स है ना वो क्या रखा हुआ है ऑरेंज रखा हुआ है ठीक है वाइट वाला बॉक्स क्या है ऑरेंज रखा हुआ है और जो रेड कलर वाला बॉक्स है वो क्या रखा हुआ है लीची रखा हुआ है ठीक है तो वाइट बॉक्स पता है बिल्कुल पता है यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा ऑरेंज ठीक है ये क्या आ गया ऑरेंज रेड बॉक्स पता है क्या कहाँ पे नहीं पता तो अभी मैं लिख सकती हूँ क्या कि रेड कहाँ पे और लीची कहाँ पे नहीं ठीक है यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा ठीक है दो ही प्लेस दिख रही है मुझे यहाँ और यहाँ पे ठीक है एक और तीन पे मुझे दिख रहा है ऊपर सात पे तो मैंगो रखा हुआ है तो लीची आना नहीं ठीक है एक और तीन पे आ सकता है मुझे नहीं पता अब आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है पिंक बॉक्स इज़ नॉट कंटेनिंग पिंक बॉक्स इज़ नॉट कंटेनिंग एप्पल और चेरी ठीक है पिंक पिंक बॉक्स क्या है एप्पल और चेरी पिंक बॉक्स एप्पल और चेरी ठीक है पिंक बॉक्स कहाँ पे आएगा देखो पिंक बॉक्स क्या नहीं लेना है पिंक बॉक्स नहीं लेना है एप्पल भी नहीं लेना है और चेरी भी नहीं लेना है ठीक है एप्पल तो वैसे ही नहीं लिया मतलब पिंक बॉक्स में क्या नहीं आएगा चेरी नहीं आएगा ठीक है पिंक बॉक्स में क्या नहीं आएगा चेरी नहीं आएगा यहाँ तक का बात समझ में आया अब आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है द बॉक्स विच कंटेन्स लीची अब देखो रेड लीची हमें पता है लीची जो बॉक्स कंटेन करता है वो क्या है इज़ बिटवीन पपाया और ऑरेंज मतलब पपाया ये रहा ऑरेंज ये रहा तो लीची डेफिनेटली यहीं पर आना तो लीची यहाँ पे आ गया रेड यहाँ पे आ गया ठीक है ये समझ में आया रेड लीची हो गया अब बोल रहा है देखो पिंक वाला बॉक्स क्या है चेरी नहीं है चेरी कहाँ आना है चेरी बचा है चेरी तो यहीं पर ही आएगा ठीक है और पिंक यहाँ पे आना नहीं तो पिंक कहाँ पे आ जाएगा पिंक आ जाएगा ऊपर तो बचा कौन सा बॉक्स कलर हमारा कौन कौन सा कलर था वाइट हो चुका है ब्लू हो चुका है रेड हो चुका है पिंक हो चुका है येलो हो चुका है ब्राउन हो चुका है एंड ग्रीन ग्रीन बचा था तो ग्रीन हमारा कहाँ पे आ गया यहाँ पे ठीक है ग्रीन कहाँ पे आ गया यहाँ पे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गई और हमारी पज़ल भी सॉल्व हो चुकी है ठीक है आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या किया सिर्फ एक एक इन्फॉर्मेशन लिखते गए और क्या करते गए उसको अरेंज करते गए जिससे हमारी पज़ल क्या हो गई पूरी सॉल्व हो गई ठीक है इसमें बॉक्स का नाम नहीं दिया हुआ था पहले वाले में बॉक्स का नाम दिया हुआ था ठीक है इसमें दो वेरिएबल दिए हुए थे कलर और फ्रूट्स हमने कलर और फ्रूट से हमने क्या किया बॉक्स को अरेंज कर लिया ठीक है तो बॉक्स वाले पज़ल में हमने क्या सीखा किस तरीके से आ सकते हैं एक तो सिर्फ बॉक्स का नाम दे सकते हैं ठीक है थीके? एक क्या देख सकता है सिर्फ उनकी वेरिएबल दे सकता है ठीक है और एक कैसा दे सकता है नाम और वेरिएबल भी दे सकता है ठीक है तो अब मैंने जब ये दोनों करा दिए तो ये भी हो ही जाएगा ठीक है हमने क्या किया था बॉक्स का नाम लिखा हुआ था उससे हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते गए और क्या करते गए इसको अरेंज कर देते गए ठीक है कभी भी हम एक से लेकर नौ या एक से लेकर आठ एक से लेकर सात ऐसा पहले से लिख के नहीं रखेंगे ठीक है हमेशा हम क्या करेंगे पहले अरेंज करेंगे उसके बाद हम उसके हिसाब से जमाएंगे ठीक है और क्या और हमेशा हम कैसे लेंगे लिखा हो चाहे ना लिखा हो क्वेश्चन में एक से लेकर ही नीचे, एक नीचे से ही चालू होगा एक हमेशा कहाँ रहेगा नीचे पे ही रहेगा ठीक है।, है ये दो तीन बातें थी और पजल सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि लैंग्वेज को पकड़ना ठीक है ये जो बोलना चाह रहा है उसे समझना सबसे बड़ी बात होती है यहीं पर बच्चा फंसता है ठीक है तो एक करके समझे एक एक करके आराम से शुरू पर थोड़ी दिक्कत जाएगी सॉल्व करने में पर बाद में आसानी से ये सॉल्व हो जाता है ठीक है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आज बॉक्स वाली पजल पढ़ाई है वो आप लोग को समझ आ चुकी होगी और कभी भी एग्जाम में आएगी तो आप लोगों को ये दिक्कत नहीं जाएगी ठीक है और आप लोगों को ये समझ आया ना आया ठीक है ये आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ कि आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं आया ठीक है तो चलिए सेशन को अब यहाँ पे हम एंड अप करते हैं कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ठीक है टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू एंड बाय